लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना चल रही है। करीब 4 घंटे की मतगणना का काम पूरा हो चुका है। शुरुआती रुझानों के बाद अब जो स्थिति सामने आई है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर NDA गठबंधन पूर्ण बहुमत की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। सीटें उसकी बढ़ रही, रुझान उसके पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन भी तेजी से मजबूत हो रहा है। उत्तर प्रदेश में NDA गठबंधन को नुकसान है और यहाँ इंडिया गठबंधन अच्छी स्थिति में पहुंच गया। उसकी रुझानों में दिख रहा है कि करीब 50-50 का मामला हो जाएगा। हमारे साथ प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ और मजबूत नेता है, मनोज कुशवाहा जी हैं और भाई पवन श्रीवास्तव जी हैं। तो सबसे पहले मैं पवन भाई से पूछता हूँ, पवन भाई, जो परिणाम आ रहा है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, इसे आप कितना संतुष्ट हैं? क्यों भाजपा की सीटें कम हो गई? देखिए, विपक्ष द्वारा झूठ का प्रचार किया गया, जैसा पहला झूठ कि संविधान बदल दिया जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने उसे कई बार कहा, दोहराया अपनी बातों में, और सारे नेता कह रहे थे कि संविधान नहीं बदला जाएगा। पर उस समाज की समझ अपनी थी, उसने ये बात को, झूठ को पहले स्वीकार कर लिया। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, वैसे झूठ को जो स्वीकार किया था उसकी पुनरावृत्ति हुई इस बार की। तो क्या भाजपा के नेता अपनी बात को समझाने में सफल नहीं हुए, जनता उनकी बात को समझ नहीं पाई? जनता उनकी बात को समझ नहीं पाई। क्यों, ऐसा क्यों दोष हो गया? अब कारण है, विभिन्न अपने अपने तरीके से उनको लगा कि संविधान बदल देंगे तो मेरा क्या होगा, हम लोगों के आरक्षण मारा जाएगा, ये अन्य बातें, जैसे कर्नाटक में हो गया, वैसे ही उन लोग सोच रहे थे कि ये सरकार कर देगी, पर किया तो जिसने था उसी के पक्ष में उन लोगों ने वोट कर दिया, ये उनकी समझदारी थी। मनोज भाई, आप इलाहाबाद में खड़े हैं, इलाहाबाद में 2 सीटें हैं, दोनों पर कांटे का मुकाबला है, तो ऐसा क्या हुआ कि जो जनवरी फरवरी में भाजपा की लहर दिख रही थी, चुनाव आते आते वो लहर कम हो गई और एक तरफा चुनाव बिल्कुल कांटे में फंस गया है, आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्ष जो है आज 3 महीने से एक मिथ्या झूठा प्रचार कर रहा था कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है और ना मोदी जी ने ऐसा कहा और ना ऐसा होने वाला है। ये मिथ्या प्रचार, झूठा प्रचार करके जो जन जन तक इन्होंने कम पढ़े लिखे लोगों को बीच में पहुँचाया, इसका झूठा प्रचार किया, उसका लाभ इनको मिलता दिख रहा है। हाँ, आज OBC समाज, SC समाज हमसे जुड़ा हुआ है, पार्टी से जुड़ा हुआ है, और आज वो जानता है कि कोई भी पार्टी अगर इस समाज का भला करेगी तो वो है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अभी वो मिथ्या प्रचार में भी काउंटिंग चली रही है, आज अभी देखेंगे आपके हमारे साथ जो रुझान चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें लग रहा है 50-50%। अखिलेश यादव ने जो टिकट का वितरण किया उसमें कहा जा रहा है कि OBC और SC का बड़ा वोट जो 2014, 2017, 2019, 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ था, वो 2024 में करीब करीब आधा खिसक के इंडिया गठबंधन की ओर चला गया है, इसलिए उनकी सीटें बढ़ रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि ये कुछ दिन की बातें हैं। आप देखिएगा, ये वो पार्टी है कि वहाँ पर कोई भी, चाहे OBC समाज हमारा हो, यादव समाज को छोड़ के कोई समाज वहाँ पर रह नहीं सकता, ना SC समाज वहाँ पर रह सकता है, कि हमेशा प्रताड़ित ये दोनों समाज इन्हीं यादव समाज से, मुस्लिम समाज से ही रहे हैं, और OBC समाज, SC समाज पूर्ण रूप से आज भी भाजपा से जुड़ा हुआ, उनकी विचारधारा जुड़ा हुआ और जुड़ा रहेगा। ठीक है, अभी काउंटिंग चल रही है, हम 65 सीट से कम नहीं आने वाले हैं, कम से कम 65 सीट जीतेंगे। मनोज भाई कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल मिलाकर करीब करीब 65 सीट जीतेंगे, लेकिन जैसा अभी मतगणना के रुझान आ रहे हैं, समय बढ़ता जा रहा है और इसमें हार जीत के अंतर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अब जो स्थितियां सामने आ रही उसमें ऐसा लग रहा है कि अब जो बढ़त अच्छी, अगर 10-15 हज़ार वोटों की जिसने लीड ले ली, वह प्रत्याशी पीछे जल्दी आ नहीं पाएगा, वह बढ़त बनाए रखेगा। तो आगे परिणाम आने के बाद जो भी स्थिति होगी, हम फिर आपके सामने आएंगे कुछ नए साथियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।